सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं BGMI से रिलेटेड न्यू एक्सूट के बारे में, और तो और यूसी धमाका इवेंट कब आने वाला है। सो वीडियो को फुल वॉच करना, कहीं पर भी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो लाइक करने से यहाँ पर शेयर हो जाता है। सो गाइस, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा मैंने आज से 3 या 4 दिन पहले बोला था, अगर आप अपने आईडी को 7 दिन तक ऑफलाइन रखोगे तो आपको बहुत कुछ फ्री आइटम मिलेगा, जिसका लाइव प्रूफ आप खुद देख सकते हो। जी हाँ गाइस, मैंने अपनी आईडी 7 दिन तक ऑफलाइन रखी थी, जिसके बाद मेरे को बहुत कुछ मिला। और गाइस आप ये देख सकते हो, मेरे को रिनेम कार्ड मिल गया फ्री में। और गाइस आप सभी के मन में डाउट होगा हम लोग को यूसी धमाका इवेंट कब देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस बता दूं, फिलहाल तो हम लोग को यूसी धमाका इवेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइस, BGMI ने हम लोग के साथ बहुत ही बड़ा चीट किया। जी हाँ गाइस, अभी के टाइम पे हम लोग को गेम में शैडो अल्टर नाम का एक अल्टीमेट सेट आया है, जिसमें हमें एक बेहतरीन M4 का अपग्रेड वेपन देखने के लिए मिलता है। और भाई सब, इस M4 का लुक डिजाइन कतई जहर है। और भाई सब, इस M4 को निकालने के लिए BGMI का प्लेयर भर भर का टॉपअप कर रहा है, जिससे क्राफ्टन को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। और अगर इसी टाइम पे यूसी धमाका इवेंट आ जाता तो भाई सब, क्राफ्टन को उतना भी ज्यादा फायदा नहीं होता। तो क्राफ्टन वालों ने अपना तगड़ा दिमाग लगाया और यहाँ पर यूसी धमाका इवेंट को थोड़ा सा लेट कर दिया। अगर इसी टाइम पे यूसी धमाका इवेंट आ जाता तो BGMI के प्लेयर को दोनों तरफ से फायदा होता, लेकिन BGMI ने ऐसा नहीं किया। सो गाइस, आपको पता चल गया होगा यूसी धमाका इवेंट क्यों नहीं आया गेम के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा यूसी धमाका इवेंट नहीं आएगा, आएगा बट थोड़ा सा लेट। सो गाइस, अगर आपके पास अभी भी यूसी है तो फिलहाल के लिए बचा के रखो, क्योंकि गेम के अंदर जैसे ही 3.1 का अपडेट आएगा हम लोग को न्यू एक्सूट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ गाइस, अभी के टाइम पे 3.0 का अपडेट चल रहा है, लेकिन 3.1 के अपडेट में हम लोग को न्यू एक्सूट और न्यू M4 का स्किन देखने के लिए मिलेगा। और गाइस 2.9 के अपडेट में हम लोग को 4 एक्सूट देखने के लिए मिला था, जिसमें से एक न्यू था और बाकी सब पुराने। लेकिन 3.1 के अपडेट में हम लोग को 4 एक्सूट फिर से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से एक एक्सूट न्यू होगा, बाकी 3 पुराने। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 पुराने एक्सूट कौन सा होगा। सो गाइस, नंबर 1 पे आप ये जेस्टर एक्सूट देख सकते हो, जो कि यही 3.1 के अपडेट में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस, अगर आप पुराने प्लेयर हो तो आपको मालूम होगा ये एक्सूट अभी तक गेम के अंदर नहीं आया है, लेकिन पबजी ग्लोबल की बात की जाए तो पबजी ग्लोबल में आ चुका है, क्योंकि उस टाइम में BGMI बैंड था, इसीलिए ये एक्सूट वापस से रिटर्न होने वाला है। यार आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और गाइस नंबर 2 पे कौन सा एक्सूट आने वाला, चलो दिखाते हैं। जी हाँ गाइस, ब्लड ड्रैगन यही रिटर्न में आने वाला है, जिसका लुक डिजाइन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। खैर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, फिलहाल के लिए अभी तो न्यू एक्सूट का पूरा लिस्ट नहीं निकल के आया, लेकिन न्यू एक्सूट का पोस्टर रिलीज हो चुका है। यहाँ गाइस आप देख सकते हो, न्यू एक्सूट फायर के थीम पे होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग देखने में लग रहा है। फिलहाल जब पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा तो फिर से न्यू वीडियो बना के डाल दूंगा। फिलहाल तो आप बात करते हैं एक्सूट निकालने के लिए यूसी तो होना चाहिए ना। जी हाँ गाइस, 3.1 के अपडेट में 4 न्यू एक्सूट आने वाले हैं। गाइस एक्सूट निकालने के लिए यूसी तो होना चाहिए ना। गाइस अभी मैं आप सभी को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कम दाम में ज्यादा यूसी ले सकते हो। तो गाइस, मैंने अपने आईडी को 7 दिन के लिए ऑफलाइन रखा था, जिसके कारण मेरे को बहुत ही ज्यादा ऑफर मिल चुका है। अगर मैं यहाँ से 380 वाला पैक परचेस करता हूँ तो गाइस मेरे को 325 यूसी मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पर 6000 के बीच में हमको कितना भी यूसी मिल सकता है। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ से 380 वाला पैक परचेस कर लिया, अब मैं यहाँ से जैसे 380 वाला पैक को परचेस करूंगा मेरे को यहाँ कलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और भाई साहब 6000 के बीच में मेरे को कितना भी यूसी मिल सकता है। जैसा कि मेरे को 2000 भी मिल सकता है, 3000 भी मिल सकता है, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ओपिनियन से यही कहूंगा कि आप अपने आईडी को 7 दिन के लिए ऑफलाइन रखो, क्योंकि अभी तक गेम के अंदर कोई भी इवेंट नहीं आया है। तो गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।